हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पुनेरी बल्टान के बीच में होने वाला प्रो कबड्डी सीजन 10 का 69th मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो ये जो मैच आपको भारत के टाइम के अनुसार रात को 8 बजे खेला जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई, यहाँ पर डिफेंस में किसको लेना चाहिए, ऑलराउंडर सेक्शन पर भाई यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर काफ़ी स्ट्रांग है, और राइडिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बेस्ट से भाई उनको जरूर टीम पे लेना है। तो भाई लास्ट सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टान तो यहां पर दोनों फाइनल्स तक गए थे, आप सभी को याद है। लेकिन जब फाइनल की जो रिवेंज है भाई, ऑलरेडी पुनेरी पल्टान ले चुका है पहला जब मैच खेले थे भाई, ये दूसरा मैच है यहाँ पर दोनों टीम इस सीजन में आमने सामने होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रांग टीम के बीच में ये मैच होने वाला है। जयपुर पिंक पैंथर्स की डिफेंस राइडिंग सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, अर्जुन देशवाल भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, उनकी राइडिंग काफ़ी अच्छी है, बोनस भी बहुत अच्छे ले रहे हैं। और पुनेरी पल्टान जो टीम है भाई काफ़ी स्ट्रांग टीम है, इस टीम में यहाँ पर सारे प्लेयर्स अच्छी राइडिंग कर लेते हैं, सारे प्लेयर्स अच्छे डिफेंस कर लेते हैं भाई। यहाँ पर इस टीम में ऑलराउंडिंग टीम है भाई यहाँ पर पुनेरी पल्टान की, लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स को कमजोर समझना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ पर। लेकिन पहले बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ साथ घंटी वाला आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस में अपलोड करूंगा भाई आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। एक और बात है, फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है भाई मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ, तो जाके मस्ट एंड शुड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सारा फाइनल अपडेट सब कुछ आपको वहीं पर मैं देने वाला। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे भाई। तो यहां पर डिफेंस सेक्शन पे कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, अंकुश जूनियर यहां पर लास्ट सीजन में भाई जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट लेने वाले प्लेयर हैं, तो अंकुश जूनियर को यहां पर मैं कंफर्म कर रहा हूं। उसके बाद गौरव खत्री, गौरव खत्री कमाल का प्लेयर है भाई, अच्छी डिफेंस इनकी है और अच्छे टैकल कर लेते हैं, तो यहां पर ये दोनों फिलहाल के लिए मैं कंफर्म कर रहा हूं। उसके बाद बाकी प्लेयर्स को भी लेंगे भाई यहाँ पर, पहले आप ये दोनों प्लेयर को कंफर्म कर लीजिए, अंकुश जूनियर और गौरव खत्री है भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर ऑलराउंडर सेक्शन पे देखा जाए तो यहाँ पर सबसे जो बढ़िया पिक है भाई साधलू के पास वो स्किल है भाई यहाँ पर, बाकी दूसरा डिफेंडर से अलग बनाते हैं इनके, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी डिफेंडर ज़्यादातर राइड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर साधलू राइडिंग भी कर लेते हैं और डिफेंस इनकी कमाल की है भाई, हर मैच में आपको 3 से 4 टैकल पॉइंट तो देते हैं। अगर इनका उस दिन अगर यहाँ पर इनकी फॉर्म अगर आ गए वापस तो ये 5-6 टैकल पॉइंट तो आराम से ले लेते हैं। इनकी साइड जाके एक टैकल पॉइंट लेना इतना आसान नहीं होगा किसी भी राइडर के लिए, तो साधलू सबसे बढ़िया पिक है भाई। उसके बाद असलम इनामदार, सुनील कुमार है, तो इन दोनों में कौन सा प्लेयर को आप लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, असलम इनामदार एक अच्छा पिक है भाई, क्योंकि यहाँ पर ये राइडिंग भी कर रहे हैं, हर मैच भी डिफेंस कर रहे हैं। सुनील कुमार यहाँ पर अभी जो प्लेयर है भाई, सुनील कुमार यहाँ पर प्रो कबड्डी में सारे कैप्टन है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से सुनील कुमार जैसा कैप्टन यहाँ पर प्रो कबड्डी में कोई नहीं है, क्योंकि भाई लास्ट सीजन में ये चैंपियन बनाए थे। अगर आपको गुजरात जैन जो पहला बार फाइनल गए थे वहाँ पर भी सुनील कुमार कप्तान थे भाई, तो इनके पास वो स्किल है, इनको पता है कि प्लेयर्स को कहाँ यूज करना चाहिए और डिफेंस में कहाँ रखना चाहिए, राइडिंग पे कौन सा प्लेयर को टाइम बाय टाइम भेजना चाहिए भाई, ये सारे चीज़ सुनील कुमार के पास है। अगर आपको नहीं डाउट है तो भाई मनप्रीत सिंह जो अभी फिलहाल कोच है भाई हरियाणा श्रेयस, आप उनके इंटरव्यू में सुन सकते हो, क्योंकि वो भी बताए थे कि सुनील कुमार अभी प्रो कबड्डी में सबसे बेस्ट कैप्टन है यहाँ पर। तो सुनील कुमार को आप ट्राई कीजिएगा भाई, चाहे आप स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, अगर आप 6 से 20 ग्रैंड लीग टीम बनाते हो तो यहाँ पर सुनील कुमार को एक मैच में आप जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के रखिएगा। ये प्लेयर मैच को पलट सकता है, ये प्लेयर के पास वो स्किल है भाई, चाहे आप कॉर्नर पे खिला लीजिए, कवर्स पे खिला लीजिए, लेफ्ट एंड राइट एंड कहीं पर आप खिलाइए भाई, ये प्लेयर आपको मैच बदल के दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सुनील कुमार एक बढ़िया पिक है भाई। उसके बाद काफी प्लेयर्स है, अभिषेक है लेकिन यहाँ पर अवॉइड कर दूंगा। उसके बाद आते हैं भाई राइडिंग डिपार्टमेंट में, तो राइडिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर नो डाउट अर्जुन देशवाल एक बढ़िया पिक है भाई। उसके बाद यहाँ पर मैं मोहित गोयल के साथ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी बनने वाली है भाई यहाँ पर क्रेडिट इश्यू आएगा, तो क्रेडिट इश्यू के लिए आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा आपको मैं बताना चाहूँगा भाई यहाँ पर। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, असलम इनामदार को यहाँ पर पिक किया भाई, तो यहाँ पर ये दोनों को तो मैं हटा नहीं सकता। अर्जुन देशवाल तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पिक कर चुके हैं भाई, अर्जुन देशवाल को भी हम यहाँ पर नहीं हटा सकते। मोहित गोयल इस टीम का मेन राइडर है भाई, तो इनको भी आप रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा भाई, गौरव खत्री जो है भाई इनकी जगह आप यहाँ पर दूसरा प्लेयर पे आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सावंत है भाई, सावंत के पास वो स्किल है, ये भी एक अच्छा डिफेंडर है, कॉर्नर कवर्स दोनों खेलते हैं भाई, तो इनको मैं लूँगा।
अभी यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं आकाश शिंदे, राहुल चौधरी, तो ये दोनों नहीं खेलेंगे, तुषार शिंदे। तो यहाँ पर आपको अजित कुमार, पंकज मोहिते, भवानी राजपूत। तो भाई यहाँ पर भवानी राजपूत तो मुश्किल है सब्स्टिट्यूट पे आएंगे, पंकज मोहिते भी अच्छी राइडिंग कर लेते हैं, अजित कुमार यहाँ पर सेकेंड राइडर पर आपको नजर आएंगे, और ये प्लेयर मैच को बदलने में क्षमता है, लेकिन यहाँ पर आप एक डिफेंस के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डिफेंस भी यहाँ पर लेने की चांसेस नहीं बन रहा भाई, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट की पूरी समस्या यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं अंकुश जूनियर को ड्रॉप करके यहाँ पर अगर मैं गौरव खत्री को ले लेता हूँ, और सावंत की जगह आप यहाँ पर दूसरे प्लेयर को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्रेडिट इश्यू प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर आप अजित कुमार को बना लीजिए। तो यहाँ पर ये जो मैं टीम बना रहा हूँ, राइडिंग टीम बना रहा हूँ भाई, यहाँ पर एक बढ़िया टीम है, आप टेंशन मत करना है। यहाँ पर हम लोग अंकुश जूनियर को मिस किए, तो भाई यहाँ पर हम गौरव खत्री को ले लिए, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ और प्लेयर्स हैं वो मैच में बदलने में माहिर है भाई, रीजा मिर्बा गेरी, तो प्लेयर्स को यहाँ पर पुश करने में इनके काम है भाई, यहाँ पर प्लेयर्स को बाहर कोर्ट से बाहर करना, और यहाँ पर उस प्रकार इनकी अच्छी स्किल है, और ये रानी प्लेयर है भाई, अच्छे कर लेते हैं। और नजराजन की भी यही काम है भाई, यहाँ पर नजराजन भी आप देख सकते हो 805 पॉइंट है, लेकिन इन पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, लेकिन ये प्लेयर यहाँ पर 5-6 हर मैच में टैकल पॉइंट्स ले लेते हैं भाई, और ये प्लेयर यहाँ पर हर प्लेयर को आसानी से पुश कर रहे हैं, और ये प्लेयर के पास वो टैलेंट है, और ये प्लेयर को आप ट्राई करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अगर आप 6-20 ग्रैंडली टीम अगर आप बना रहे हो तो नजराजन को आप जरूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सुनील कुमार, आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये प्लेयर को ट्राई करेंगे तो फायदा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर हम लोग तीनों बेस्ट राइडर्स को ट्राई कर लिए हैं, और तीनों बेस्ट राइडर रहेंगे, लेकिन अजित कुमार की जगह अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो तो चलिए यहाँ पर एक और दो चेंजिंग कर लेते हैं भाई। यहाँ पर सोल कुमार है, लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर राइडर्स को लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर अजित कुमार को रहने दीजिए, यहाँ पर राइडर में अजित कुमार, क्योंकि यहाँ पर पुनेरी पलटन के खिलाफ मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर 5-6 राइट पॉइंट आपको इस मैच में देने वाला है, तो आप यहाँ पर जरूर टीम पर रखिएगा। उसके बाद साधुल एक बढ़िया पिक है भाई, आपको ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे किस प्लेयर को लेना चाहिए, तो कैप्टन पे भाई आप यहाँ पर साधुल को पिक कर लीजिएगा, एक बढ़िया पिक है, और वाइस कैप्टन पे यहाँ पर मैं अर्जुन देसवाल के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा टीम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी बार बताया हर वीडियो में मैं बता रहा, मैं बस एक ही टीम बनाता हूँ भाई, एक टीम हमारा जो टारगेट है स्मॉल लीग भी जीतना, ग्रैंड लीग भी जीतना, अगर हम ग्रैंड लीग नहीं जीते जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई 50-60 रुपये वो हमारा रिफंड हो जाए, इस प्रकार हम टीम बनाते हैं, तो आपको सेफ है भाई, इस टीम के साथ आप आराम से जाएगा। और स्मॉल लीग अगर आप 2-3 स्पॉट खेलते हो तो आपको मैं रैंक 1 पक्का लाके देने वाला हूं, तो आप जाके जरूर खेलिएगा। और यहां पर आप देख सकते हो दो डिफेंडर गौरव खत्री, सावंत है भाई यहां पर, संकेत सावंत, साधलू, और इसके बाद असलम इनामदार है भाई। उसके बाद यहाँ पर आपको अर्जुन देसवाल, मोहित गोयट, और इसके साथ है अजित कुमार है। तो कैप्टन में यहाँ पर साधलू, और वाइस कैप्टन पे अर्जुन देसवाल है भाई। तो ये जो हमारा टीम है ये टीम आपको स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो गौरव खत्री एक अच्छा पिक है भाई आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए, असलम इनामदार है भाई, मोहित गोयट, और इसके साथ है अजित कुमार। ये दोनों प्लेयर को आप ट्राई करिएगा, ये दोनों प्लेयर भी आपको मैच बदल के दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे एक परफेक्ट टीम बनाया बन गया, पुनेरी पलटान के 5 प्लेयर, जयपुर पिंक पैंथर्स के 2 ही प्लेयर्स है भाई। आप चाहे तो कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस टीम को सेव करके रख ले रहा हूँ, क्योंकि फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है भाई, वहीं पर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 vs 5 कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब मेरा फाइनल टीम बनेगा भाई आपको 3 vs 4 नहीं तो 4 vs 3 के कॉम्बिनेशन के साथ आपको टीम आने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने तो बना के दिखा दिया, लेकिन 1-2 चेंजिंग तो 100% होगा मेरा टीम में। तो आप जरूर फाइनल टीम फर्दर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूं, नेक्स्ट जो मैच है मैं उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।